हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सीख कबाब बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आप इसे ईद में ज़रूर ट्राई करें। सीख का फ्लेवर बहुत ही मज़े का होगा जिससे हमारी बिरयानी बहुत मज़े की बनकर तैयार होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीख की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। आप अपने फैमिली के हिसाब से लें, अगर आप 1 किलो का बिरयानी बना रहे तो कीमा भी 1 किलो का ही लें। तो यहाँ पर 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट लिया है और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से 1 टेबलस्पून सीख का मसाले का पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को कीमे में ऐड करना है। आप रेड चिली पाउडर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिलिस्ता लिया है, बिलिस्ते को पहले ही तैयार करके मैंने क्रश करके रखा था। तो आप यहाँ पर समझे कि एक प्याज का बिलिस्ता मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन को भी भून कर रखा था, तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है। फ्राई पैन पे अच्छे से भून कर डालें। कुछ यहाँ पर मैंने धनिया के पत्ते डाला है और पुदीने के पत्ते डालेंगे और 1 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे सीख अंदर तक अच्छे से पकेंगे और टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और सूखे नहीं बनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से सीख के मसाले को पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में इसके गैप बनाना है हमें, क्योंकि हमें कोयले का स्मोक देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर के एक कटोरे टाइप बनाकर बीच में रखना है इस तरीके से। अब कोयला लेंगे, कोयले को फॉइल पेपर के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा तेल डालना है कोयले के ऊपर। बस अभी हमें अच्छे से स्मोक देना है। तो अगर आपको जितना स्मोक पसंद है, यानी किसी को 30 सेकेंड रखते हैं, कोई 1 मिनट तक रखता है, तो आप अपने हिसाब से रखें। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट तक रखा है। तो देखिए टेक्स्चर कितना अच्छा है कीमे का, इसी तरीके का चाहिए था हमें, तो सीख हमारे टूटेंगे नहीं। और अगर आपको सीख थोड़े से मीन्स ये लग रहे हैं कि नरम हो गया है आटा, तो इसके अंदर थोड़ा ब्रेड डालकर भी आप पीस सकते हैं सीखों के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा एकदम कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हाथों को अच्छे से तेल लगाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सीख लिया है, सीख को भी अच्छे से तेल लगाकर उसके सीख बनाना है इस तरीके से। पहले हाथ पर लेंगे सीख, सीख का मसाला, और इस तरीके से हमने सीख की रॉड के ऊपर लगाते जाना है। तो बस हमें हमें क्या करना है, जो सीख का मसाला है उसे रॉड के ऊपर इस तरीके से स्टिक करते जाना है और हमारी सीख बनके तैयार होती है। किसी के पास सीख की स्टिक नहीं है तो वो अपने हाथों के बीच में लेकर सीख भी बना सकते हैं। दोनों हाथों के बीच में ले और उसे लंबा लंबा फैलाते जाए तो वो सीख बन जाती है और एकदम अच्छी सीख बन जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए एक सीख तैयार होगी, इसी तरीके से हम सारे सीख बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप सीख की साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। किसी को बड़ी सीख पसंद होती है, किसी को छोटी सीख पसंद होती है यानी मीडियम साइज़ की। तो आप अपने पसंद के हिसाब से सीख की जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा या बड़ा या छोटा रख सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से मीडियम साइज़ की सीख बनाई है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है। तो इसी तरीके से सारे सीख बनाकर रेडी किया है मैंने। और सीख में जो क्वांटिटी ली है मैंने चिकन की, वो अच्छी खासी ली है, क्योंकि सीख खाते टाइम लगना भी चाहिए कि हाँ हम सीख खा रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ी मोटी सीख बनाया है। तो देखिए इस तरीके से हम फ्राई पैन में अच्छे से तेल गर्म होने के बाद सीखों को डालेंगे। और हमें यहाँ पर 100% सीख को नहीं पकाना है, 70% ही पकाएंगे। थोड़ा सा कड़क होने लग गया सीख, थोड़ी सी पकने लग गई, उसके बाद हम निकाल लेंगे। देखिए कलर चेंज होने लग गया नीचे से, तब हम पलटी करेंगे। बस इसी तरीके से हमने सारे सीखों को फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद जब दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाएंगे तो हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे सीख को पकाते हुए 4 मिनट हो चुके हैं, 3-4 से 5 मिनट हो चुके हैं। कलर भी अच्छा आ गया है, ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं है और अच्छे से पक भी गए हैं, तो हम निकाल लेंगे। अब दूसरे जो सीखों का बैच है उसे भी इसी तेल के अंदर हमने अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए सीख पक गए, अभी हम ये भी बैच निकाल लेंगे। अभी हम बिरयानी के चावल बनाएंगे, जिसके लिए एक पतीले में मैंने पानी लिया है। उसमें हम कुछ गरम मसाले डालेंगे, जिसमें दालचीनी, इलायची, जीरा, शाहजीरा, बादियान का फूल, काली मिरी, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा है और बड़ी इलायची भी है, तेज़पत्ता भी है। सारे गरम मसाले डालेंगे, उसके बाद धनिया, पुदीना और मिर्च को भी डालेंगे। धनिया पुदीना आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पुदीने के पत्ते से पानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चावलों में, जिसकी वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, लेकिन नमक की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि हमने पानी की क्वांटिटी बिरयानी के चावल पकाने के लिए ज़्यादा लिया है। और बिरयानी के चावल आपस में स्टिक ना हो, इसलिए हमने नींबू का रस डाला है। तो 1 नींबू का रस डालें आप, जिसकी वजह से बिरयानी के चावल जो है वो आपस में चिपकते नहीं है, स्टिक नहीं होते, खिले खिले बनते हैं।
तो देखिए हमने सारे चावल को डाल दिया, और चावल को मैंने 15 मिनट पहले ही भिगो के रखा था, वो भी पानी में डालने के बाद। हम चावल को यहाँ पर अभी 90% पकाना है, 80% भी नहीं पकाएंगे, 90% पकाएंगे। जब एक हल्की सी कनी रहे तब हम निकाल लेंगे। देखिए थोड़ी सी कनी बाकी है, कनी हल्की सी कनी रह जाएंगी, उसके बाद हम चावल को निकाल लेंगे। तो अभी हम सीख का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट की जो रॉ स्मेल है वो निकलने तक हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनना है। यहाँ पर अच्छे से भुने ताकि रॉ स्मेल निकल जाए अच्छे से, नहीं तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पर मैंने एक प्याज का जो बिलिस्ता है वो भी डाला है, उसको क्रश करके डालना है या मिक्सी में पीस भी सकते हैं आप। अब इसे ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि प्याज ऑलरेडी हमने बिलिस्ता ही डाला है, तो ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ हम मसाले डालेंगे। इन मसालों में ये है कि लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, हल्दी डालेंगे और गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से तेल में मिक्स करना है। यहाँ पर अगर आपके मसाले सूखे सूखे लगे तो आप 2-3 टेबलस्पून के करीब पानी भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिरयानी मसाले का पाउडर भी ऐड किया है, ये शान का बिरयानी मसाला है, आप चाहे तो अपनी मर्जी का कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मसाले थोड़े सूखे लग रहे थे, इसलिए मैंने आधा कप पानी डालकर अच्छे से मसालों को पकाना है। कोई भी कच्चे मसाले नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसालों को पकाएंगे। देखिए मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। इसके अंदर हमने 1 कप के करीब दही डाला है, दही को अच्छे से फीट कर डालना है हमें, और दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होंगी यहाँ पर, यानी 1 कप बराबर है। अच्छे से साफ करके डालेंगे दही को, दही को लेकिन फेंटना ज़रूरी है यहाँ पर, नहीं तो दही फट सकता है। पहले जगह पे दही को अच्छे से हिलाएंगे, फिर सारे मसाले में दही को अच्छे से मिक्स करना है। यह हमारा कबाब का जो मसाला है, बिरयानी मसाला, वो बनके तैयार हो गया। अभी हमें दही को भी अच्छे से पकाना है, तो अभी दही को अच्छे से पकने के लिए हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए मसाला भी पक गया है, उसके बाद हम हमारे जो सीख हमने तैयार करके रखे थे वो सारे मसाले में डालेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें चम्मच नहीं चलाना है क्योंकि सीख टूट सकते हैं। तो आप क्या करें, जिस भी बर्तन में आप मसाला तैयार करें इस तरीके से बर्तन को हिलाएं तो सीखों के अंदर मसाला भी लग जाएगा और सीख भी हमारे टूटेंगे नहीं। देखिए इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा जो साइड का मसाला है वो हम चम्मच की मदद से हल्के हाथों से मसाला सीखों के ऊपर डालेंगे, जिससे जो मसालों के अंदर सीख का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। बहुत ही मज़े की बनती है गाइस ये बिरयानी, तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है और बहुत कम वक्त में बनती है। आप चाहे तो ईद के पहले दिन ही रात के वक्त में सीख बनाकर तैयार कर सकते हैं, और बाकी का जो मसाला और बिरयानी बनाने का प्रोसेस है वो नेक्स्ट डे भी आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए 2 मिनट तक मैंने सीखों को मसाले में अच्छे से पकाया है, उसके बाद धनिया और पुदीना डालेंगे। धनिया और पुदीना डालने के बाद हल्के हल्के हाथों से जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत ही हमें मसाले को ऊपर नीचे करना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है। देखिए इस तरीके से थोड़ा उधर की उधर ही मैं पलटी कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा मसाला थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो मैंने थोड़ा पानी डालकर अच्छे से हिला लिया, तो ये मसाले की कंसिस्टेंसी एकदम बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सीखों का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, बस चावलों की लेयर लगाना है। ये हमारे बिरयानी का पूरा प्रिपरेशन खत्म हो गया है। यहाँ पर पतीला लेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल की लेयर लगाया है, थोड़े से चावल की लेयर लगाएंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे से जले नहीं। और यहाँ पर मैंने सीखों को सीख का मसाला डाला है, एकदम एहतियात से डाले, सीख टूटना नहीं चाहिए हमारी, एकदम आराम से एहतियात से डालना है। देखिए थोड़ा आधा मसाला अभी हमने डाला है, फिर उसके बाद हम चावल डालेंगे। देखो चावल की अच्छी से एक लेयर लगा लिया है, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ हमारा सीखों का मसाला है वो भी डालेंगे। ये आधा किलो चावल के अंदर सीखों की क्वांटिटी और मसाले की क्वांटिटी एकदम एग्जैक्टली बराबर हुई थी, मैं तो बोलूँगी थोड़ी ज़्यादा हुई थी, बहुत ही बराबर हुई थी। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया और पुदीना भी डाला है, बिलिस्ता डालेंगे और उसके ऊपर से चावल डालेंगे। ये लास्ट लेयर भी हमारी कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें डालेंगे, जिसमें हरा धनिया है, पुदीना है, बिलिस्ता है और केवड़ा वाटर है। केवड़ा वाटर चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसकी खुशबू बिरयानी में बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर डालें। तो देखिए मैंने अच्छे से बिलिस्ता डाला है, अच्छे से हरा धनिया पुदीना डाला है। तो यहाँ पर मैंने रेड फूड कलर का भी इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो ऑरेंज फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। केवड़ा वाटर डाला है
और यहाँ पर मैंने ऊपर से देसी घी का इस्तेमाल किया है। इसका जो फ्लेवर है वो बिरयानी में बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो ज़रूर डालें। इसके बाद हम दम के ऊपर रखेंगे। अगर आपका पतीला पतला है तो आप नीचे से तवा रखें, तवे के ऊपर पतीला रखें। ये मेरा पतीला बहुत मोटा है नीचे से, तो इसलिए मैंने तवा नहीं रखा है। तो मैं अभी आपको सर्व करके बताती हूँ डायरेक्टली बिरयानी। देखिए कितनी खूबसूरत बन के तैयार हो गई है बिरयानी। आप इस तरीके से ईद में सर्व करेंगे तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई करें आप, और बहुत मज़े की बनती है और थोड़ी डिफरेंट भी है, नॉर्मल बिरयानी से थोड़ी डिफरेंट भी है। और सीख अगर आप रात में बनाकर तैयार करें तो इसका कोई ज़्यादा काम भी नहीं है ईद के वक्त बिरयानी बनाने का, तो आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए सीख भी अंदर तक बहुत अच्छे से पक भी गई है, बहुत मॉइस्ट बनी थी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।